नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और मैं डॉक्टर अरुण हाजिर हूँ एक और नए टॉपिक के साथ, एक और नए मेडिसिन के साथ। और आज की दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एजवेल कंपनी के आरने का मोंटाना क्यू मदर टीचर ड्रॉप के बारे में। इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या इसके वहाँ पर किस टाइप की प्रॉब्लम में ये मेडिसिन यूज़ की जाती है, इससे जुड़ी हर जानकारी आज की इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो वीडियो एंड देखिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए और हमें सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, आप सभी को एक्सप्लेन कर देते हैं जो एजवेल कंपनी के जो आर्निका मोंटाना क्यू मदर टीचर ड्रॉप किस लिए यूज़ की जाती है, किस टाइप की प्रॉब्लम में इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों ये जो मेडिसिन है स्पेशली देखा जाए तो पोस्ट इंजरी अगर कोई पेशेंट को हो गई है, जैसे प्रोसेस की अगर रीजन से, जैसे कि पेशेंट को जैसे जॉइंट पेन है, मसल पेन देखा जा रहा है, तो उसमें ये ली जा सकती है। और अगर पेशेंट को माउथ अल्सर हो रहा है, या फिर देखा जाए तो एक गम ब्लीडिंग हो रही है, और जैसे कि पेशेंट को एक देखा जाए तो जो जो कि ईयर के जो कार्टिलेज होते हैं अगर उसमें काफ़ी पेन है, या फिर देखा जाए तो बजन सेंसेशन देखा जा रहा है, तो उसमें ये मेडिसिन ले सकते हैं। गाइस अगर आपको फेंटिंग के सिम्टम्स हो रहे हैं, डिजीनेस के सिम्टम्स देखे जा रहे हैं, और आपका जो हेड है उसमें काफ़ी पेन हो रहा है, सिर में काफ़ी दर्द है, तो उसमें ये मेडिसिन ले सकते हैं। और ये देखा जाए तो रेटिनल हैमरेज अगर आपको हो रहा है, और आपके आईज में अगर स्वेलिंग है, तो उसमें भी ये मेडिसिन ले सकते हैं। और जो कि दोस्तों ये देखा जाए तो आपको अगर कोई मेडिकल इंजरी हो गई है और इसी रीज़न से आपको मोशन सिकनेस देखा जा रहा है, तो उसमें ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। और जो कि दोस्तों ये देखा जाए तो आपके अगर चेस्ट में काफ़ी पेन रहता है, या फिर आपको डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग हो रही है, तो उसमें भी ये मेडिसिन ले सकते हैं। गाइस जब पेशेंट को इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है, तो उस एरिया में क्या होता है कि उसको स्वेलिंग हो जाती है और जैसे सॉरनेस होने लगता है। और जो कि दोस्तों ये दिखाया है तो एक ब्लीडिंग को भी रिस्ट्रैक्ट करती है, और जो कि ब्लीडिंग हो रही है उसको दोस्तों स्टॉप कर देती है। और जो कि गाइस कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, इसे आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर MRP की बात करें तो आती है 210 रुपये की, जो कि 30 ml की फाइल में आती है, 30 ml की बोटल आती है इसकी, और ये 100 ml भी आपको मिल सकती है नज़दीकी जो आपके होम्योपैथिक फार्मेसी से, वहाँ से आप इसे ईजिली ले सकते हैं। तो दोस्तों इसे कैसे यूज़ करें, अगर आपको कोई पोस्ट इंजरी हो गई है या फिर ब्रूसेस देखा जा रहा है, ये जो मैं आप सभी को बताया है, अगर आपको ऐसे सिम्टम्स हैं तो इसके लिए आपको गाइस क्या करना है, इसमें आपको 10 से 15 ड्रॉप यूज़ करना है, जबकि आपको ये 1/4 या फिर कप के चौथे वक्त पानी में लेना है, ये 10 से 15 बूंद जो है टपका देना है, और जो है गर्म पानी से लें और इसको खाली पेट यूज़ करें। एक दिन में 3 बार ले सकते हैं, लेकिन आप डॉक्टर से भी कंसल्ट करें इस मेडिसिन को यूज़ करने से पहले। और वैसे इसको कोई भी ले सकता है, कोई भी इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि एक होम्योपैथिक मेडिसिन है, क्योंकि पोस्ट इंजरीज के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है ये। कहीं पे आपको इंजरी हो गई है दोस्तों, जो कि इंटरनली या फिर एक्सटर्नली है, दोनों तौर पे ये काम करती है। सो दोस्तों मैंने ही कम्प्लीट नॉलेज दे दी है, तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए और हमें सपोर्ट कीजिए गाइस। सो इस वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।